बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं अशफाक हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉयल ब्रैकेट फ़ैन की मोटर के मुतालिक कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाइयों से गुजारिश होगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलो चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि दोस्तों ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक रॉयल फ़ैन की मोटर है, ब्रैकेट फ़ैन की मोटर। इसके कनेक्शन के बारे में हम आज जिक्र करेंगे कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि इसके मोटर के ऊपर कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई इसके ऊपर लिखा नहीं होता कि इसकी कैपेसिटी की तारें कौन सी होती हैं और इसकी कैसे लगती हैं, कैपेसिटी की कौन सी होगी, स्पीड कौन सी होगी, इसके रनिंग स्टार्टिंग हाई लो स्पीड इसको कैसे हम कवर करेंगे। जैसे कि दोस्तों ये एक हमारे पास मोटर है, इसकी जो वायर, सबसे पहले हम वायर गिनेंगे, वायर हमारे पास कितनी है। ये हमारे पास जो वायर हैं, इसकी वायर हैं 6 वायर्स हैं। इसमें हमें कैसे पता लगेगा इसकी रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है और कैपेसिटर की कौन सी है, इसकी कैपेसिटर की मेन कौन सी होगी, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने इसकी जो वायर होगी वो आपने वायर अलहदा से कर लेनी है, वो तो वायर होगी हमारी जी। दोस्तों आपने इसकी रेड को और येलो को आपने इसको इकट्ठा कर देना है, ये इसकी हो जाएगी मेन, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर से जो वायर निकाली होती है रनिंग स्टार्टिंग के अलहदा से मेन निकाली है। अच्छा, इसके बाद बारी आ जाएगी आपकी कैपेसिटी की वायर कौन सी हैं। ये कैपेसिटी की वायर आपकी आ जाएंगी ब्लू और ब्लैक, ये दो कैपेसिटी की वायर आ जाएंगी। अच्छा, इसकी कैपेसिटी की बात कर लीजिए तो इसको 2.5 का कैपेसिटी लगाया जाता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 2.5 का कैपेसिटी है, तो इसको 2.5 का कैपेसिटी लगाएं, इससे बड़ा बिल्कुल कैपेसिटी ना लगाएं। ये देखें, ये जो ब्लैक होगी ये कैपेसिटर की मेन आ जाएगी हमारी, ये देखें कैपेसिटर की एक पैसे उस साइड पे लग गई और ये ब्लू दूसरी साइड पे लग जाएगी। अब हमारे पास जो तारे बच गई हैं वो तारे बची हैं हमारे पास, दो तारे हमारे पास ये बच गई, एक ये वाली जो वायर है ये बच गई और ये हमारी मेन आ गई, यानी कि तीन हमारी स्पीडें बच चुकी हैं। ये देखें हम इसको 220 करंट देंगे, ये देखें ये हमारी ये कैपेसिटर की मेन ब्लैक वाली हमारी कैपेसिटर की मेन और दूसरी स्पीड हमारी आ जाएगी, ये देखें ये हमारी दूसरी स्पीड और ये आ जाएगी हमारी तीसरी स्पीड, ये वाली देख रहे हैं आप, ये देखें दोबारा आपको रीचेक करवा देते हैं। ब्लैक हमारी कैपेसिटर की मेन आ जाएगी और इस पर हमारे चक्कर सीधे होंगे, दूसरी स्पीड ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये रॉयल ने किसी भी मोटर के ऊपर अपनी मेंशन नहीं किया होता, ये सिर्फ वो बताते हैं जहाँ से हम मोटर वगैरह ख़रीद के लेके आते हैं वो हमें बताते हैं ये कैपेसिटर की मेन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये सारा कुछ ये हमें बताते हैं। ये थे दोस्तों हमारी ब्रैकेट फैन के मुतालिक कुछ मालूमात। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको किसी भी वायर के मुतालिक कुछ समझना है तो हमें कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।